पांच सेकंड के इस वीडियो को आपने देखा कि किस तरह कार के बोनट पर युवक लटका है और कार सवार पूरी स्पीड में कार को भगा रहा है। अब इस वीडियो के साथ ही इस कहानी को थोड़ा रिवर्स करते हैं। इस रेड कलर के गोले में आपको कार दिख रही है। अब देखिए कार के आसपास आपको कई लोग दिख रहे होंगे। अब कार मुड़ी और देखिए किस तरह एक युवक बोनट पर लटका दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपको इस पूरे घटनाक्रम से रूबरू करवाते हैं। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर कालवाड़ निवासी हिम्मत सिंह नाथावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी कार 5 मई को घर के बाहर से चोरी हो गई थी। 9 मई को देर शाम करीब 8:45 पर जब वो अपने दोस्त के साथ ऑफिस से घर जा रहे थे, उसी दौरान उनकी चोरी हुई कार सड़क पर दिखाई दी। हिम्मत ने चलती कार से ही कार में बैठे 3 लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश नहीं रुके और कार चलाते रहे। हिम्मत सिंह ने कार को रुकवाने की बहुत कोशिश की और आखिर में वो कार के बोनट पर लटक गए। इसके बाद बदमाशों ने बोनट पर लटके हुए हिम्मत सिंह को करीब 200 मीटर तक घसीटा। इसके बाद वो खुद सड़क पर गिर गए और बदमाश उनकी कार लेकर भाग गए। कार मालिक ने आरोप लगाया कि उन्होंने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने कार स्टार्ट की और उन पर ही चढ़ाने की कोशिश की। उनके साथ कुछ और भी लोग थे जो बदमाशों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बदमाशों ने तेज स्पीड में कार को आगे बढ़ा दिया, लेकिन हिम्मत सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और वो बोनट पर चढ़ गए। उन्होंने कहा कि बदमाशों ने करीब 200 मीटर तक उन्हें 80 की स्पीड में घसीटा और तेज ब्रेक मारकर उन्हें गिराकर भाग गए। हिम्मत सिंह ने वैशाली नगर थाना क्षेत्र में जाकर पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद करीब 12 दिनों तक वो अपनी कार को ढूंढते रहे और आखिर में उन्हें सफलता मिली। उन्होंने अपनी चोरी हुई कार को एक मोटर गैराज में ढूंढ निकाला।